तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेरियम हॉबी और आप हैं काविश के साथ हैं। टुडेज टॉपिक इज अपडेट ऑफ 100 रुपीज़ टैंक। तो फ्रेंड्स, इस टैंक को मेरे ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं और 6 मंथ से ये टैंक बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। जिसकी पहली वीडियो जो हमने अपलोड करी थी और आज से ऑलमोस्ट 6 मंथ पहले है, उस पर कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और कुछ लोगों ने इस पर क्रिटिसिज्म करा कि जो है ये ऐसा टैंक पॉसिबल नहीं है ये वो। बट फ्रेंड्स, ये टैंक ज़बरदस्त चल रहा है। आप लोगों की आंखों के सामने रिज़ल्ट है। 6 मंथ हो गए हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई भी प्लांट डाई हुआ हो या ऐसा कुछ हुआ हो। एक्चुअली बीच में मेरा बल्ब फ्यूज़ हो गया था तो इसमें 15 डेज तक लाइट नहीं चली थी, और 15 डेज से ज़्यादा ही तक लाइट नहीं चली थी और काफ़ी सारे प्लांट कम हो गए थे, मेल्ट हो गए थे। बट फिर से लाइट जब हमने दूसरा बल्ब लगाया तो फिर से सब ग्रीनरी वापस आ गई। और आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा, मतलब कि इतने ज़्यादा प्लांट हैं, स्पेशली हाइड्रिला की जो है ये देख सकते हैं। हमने मतलब लकड़ियाँ लगाई ताकि जो मेरी बेटा है वो सही से सांस ले सके ऊपर आके सरफेस के ऊपर, क्योंकि देख सकते हैं वरना फिर यहाँ पर सरफेस बिल्कुल भी नहीं बचेगी और बेटा के लिए बहुत ज़रूरी होता है सरफेस पे आना। तो इसलिए हमने लकड़ियाँ लगा दी थी ये, ताकि इसको थोड़ी जगह मिल सके ऊपर आने के लिए। और ये काफ़ी एक्टिव भी है, आप लोग देख सकते हैं जहाँ ज़रा सा मोशन करो ये आ जाती है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसके प्लांट की कटिंग करेंगे, क्योंकि प्लांट बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं और जो मेरी बेटा है उसके लिए सही नहीं इतने ज़्यादा प्लांट। अगर फिश ना होती तो हम उगने देते ऐसे ही, बट अब इसमें फिश है तो इसको हमें थोड़ा ट्रिम करना पड़ेगा। तो ट्रिम करने के लिए हम लोग अपने टूल्स उठा लेते हैं। तो सबसे पहले तो सीज़र, ये नॉर्मल सीज़र है मेरी, आप लोग देख सकते हैं ये सीज़र हो गई, ये हम यही 20-30 रुपए की लाए थे सीज़र ये कोई। और फिर दूसरी चीज़ जो अपना ये टोंग्स वगैरह हो गई, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, एक्चुअली ये मेरे पापा का है, वो डॉक्टर हैं तो। और ये भी हो गया, और ये ऐसी छोटी सी एक स्ट्रिप है मेटल की, ये भी काम आती है मेरे। और एक नेट, और जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट टूल, एक रेजर ब्लेड। तो चलिए अपना टैंक क्लीन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन लकड़ियों को हटा लेते हैं और अब अपनी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो इसको कहाँ से कट करना शुरू करें, काफ़ी ज़्यादा कटिंग करना है इसकी।
तो हमारे प्लांट्स कट हो गए, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा निकला है, मतलब कि इसके अंदर खाली 1/4 प्लांट बचे होंगे जितने हमने निकाले हैं उसके कंपैरिजन में। काफ़ी कम छोड़े हमने क्योंकि बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत ही जल्दी है। अभी वाटर थोड़ा क्लियर होगा तब थोड़ा सही लगेगा और कुछ दिनों में प्लांट फिर से वापस आ जाएंगे। ये जगह आईलैंड जैसा जो लुक है वो मेनटेन रहना चाहिए इस टैंक का, जैसा कि अब थोड़ा सही लग रहा है। और जब ज़्यादा जगह होती है तब प्लांट सही से ग्रो करते हैं क्योंकि तभी उनको सही से लाइट मिल पाती है और सब होता है। चलिए थोड़ा वाटर चेंज कर लेते हैं इसका, जो सब डेड लीव वगैरह पड़ी हुई हैं उनको भी हटा लेते हैं। चलिए अपना रेजर ब्लेड रख देते हैं क्योंकि अपना ज़्यादा तो क्लीन हो नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा डेंस हो गया है ये, काफ़ी हार्ड हो गया इसलिए छूटेगा नहीं डिजॉल्व सॉल्ट। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसका जो देख रहे नीचे तो लीव्स वगैरह पड़ी हुई हैं इनको सक करेंगे, साइफन करेंगे। तो इनको कैसे साइफन करेंगे एक्चुअली, क्योंकि इतना छोटा टैंक है अगर इसको साइफन करने पाया तो उसका वाटर फॉरन ड्रेन हो जाएगा। तो हम लोग एक बकेट लेंगे, जैसा कि ये बकेट है मेरी, और इस पर रख देंगे अपना नेट। ये नेट देख सकते हैं, नेट रख देंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं हम क्या करते हैं। ये बकेट हो गई और ये नेट हो गया, नेट को ऐसे रखेंगे और फिर इसका जो एक साइड होगा इसको इसमें डाल देंगे और फिर इधर से साइफन करना अपना शुरू करेंगे। आप लोगों को दिखाते हैं फिर कैसे होता है ये। तो देख सकते हैं ज़्यादातर गंदगी सब इसके अंदर आ चुकी है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे और जो वाटर है इसको वापस ड्रेन कर देंगे इसके अंदर। बार फिर से वही सेम प्रोसीजर। तो वो ऑलमोस्ट हमारा 1 आवर हो चुका है और वाटर काफ़ी क्लियर है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि तो फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं है तो वाटर क्लियर होने में टाइम लगता है और इसकी डायमेंशन है वो 12 इंचेज इंटू 11 इंचेज इंटू 11 इंचेज इसकी डायमेंशन है, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 क्यूबिक फीट है ये मेरा टैंक। और इसके अंदर एक बेटा है, बेटा की वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं यहाँ पर, बेटा हमने जब हमने इसमें ऐड करी थी। और जैसा कि 100 रुपीज़ प्लांटेड टैंक है तो इसको अभी भी हमने 100 रुपीज़ ही बना के रखा है। इसमें कोई भी हमने एडिशनल कुछ भी एडिशनल चीज़ नहीं डाली, ना ही लिक्विड फर्टिलाइज़र, ना ही CO2, ना ही फिल्ट्रेशन, इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ जैसा बनाया था इसको, लिंक यहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं ये हमने कैसे बनाया था टैंक। तो ये वही है, 6 मंथ हो गए इसके अपडेट को, अभी तक सही चल रहा है। और उसमें पहले हमने ज़्यादा प्लांट लगाया था, अमेजन स्वाड वगैरह भी लगाया था, बट जब हमने 15 डेज तक ऑलमोस्ट लाइट नहीं जली तो वो डेड हो गया। बस इसमें क्या बचा, हाइड्रिला बचा है और वेलिसेरिया बचा है, जंगल वैली जिसको कहते हैं, यही 2 प्लांट्स बचे हुए हैं। फिश भी सही चल रही है, बहुत लोग कहते हैं भाई फिश मर जाएगी, फिश ना रखना ये वो, देखो फिश सही चल रही है। और बहुत से लोगों ने ये टैंक अपने घर में भी सेटअप कराया थी सेम टैंक, उनका भी बहुत सही चल रहा है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई बदबू आ रही मेरे टैंक में से, क्या करें। तो भाई ये मैन्योर है वो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको उससे प्लांट नहीं उगेंगे अगर बदबू आ रही है आपके टैंक में। आप क्या करिए, जो मैन्योर है उसको पहले पानी में ला के डाल दिए, कुछ दिन तक पड़ा रहे, फिर जो पानी वो फेंक दिएगा, फिर आप उसको यूज़ करिए तभी सही रहेगा। क्योंकि आपका जो काउ डंक है उसके अंदर वो भी सही से फर्टिलाइज़र नहीं बना है, डिकम्पोज नहीं हुआ है, अभी वो रॉ है, तो वो ना यूज़ करिए, आपके प्लांट सारे गल जाएंगे और उगेगा भी नहीं। मछली डालेंगे वो भी मर जाएगी, तो वो आपको नहीं यूज़ करना है। ये काफ़ी फेमस टैंक रहा है मेरे चैनल का, काफ़ी लोगों ने सेटअप करा ऐसा टैंक और कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म भी करा कि भाई टैंक ऐसा नहीं चलेगा, ये प्लांटेड टैंक नहीं है। भाई
ये चलता है, 6 महीने हो गए और हम पहले भी लगा चुके हैं इस टैंक को, साल भर चलाया था, तो भाई ये चलता है टैंक। और हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं आप डेलिकेटेड प्लांट्स ग्रो करें, जैसे कि जावा मॉस या फिर बेबी टियर, डॉर्फ ग्रास, ये सब इसमें नहीं उगेगा भाई, ये इसके लिए नहीं है। ये बस एक बेसिक टैंक है, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ मेरे पास एक टैंक होता, बजट नहीं होता है, बट हाँ एक टैंक होना चाहिए, प्लांटेड टैंक, प्लांट लगा के देखें कैसे होते हैं, फिर हम महंगा सेटअप करेंगे, तो भाई उसके लिए आप इसमें अमेजन सॉल्ट लगाइए, हाइड्रोला लगाइए, कॉम्बा लगाइए और जंगल वेल्व लगाइए, वेलसेरिया, ये सब सही से उगेंगे। और डेलिकेट प्लांट की तरफ ना जाइए, वो सही नहीं रहेगा। और 6 मंथ हो चुके हमारे टैंक को, अच्छा चल रहा है, आप लोग के सामने रिजल्ट है। और यहाँ पर एक और टैंक आने वाला है कि नहीं है पता नहीं, बट आप लोगों को थोड़ा हम एक क्ल्यू देते हैं, ये लो टैंक, इसके बगल में एक और टैंक जिसकी भी हाइट ऑलमोस्ट इतनी ही हो, और थोड़ा सा जो भी होगा देखा जाएगा। और बाकी इस सीरीज़ की वीडियो देखना हो तो आप लोग यहाँ पर जाके देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ हैं, लिंक दिए हुए हैं, आप लोग जाके क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पर वीडियोज़। और तो बस भाई 6 मंथ हो गए, खाली लाइट का भरोसा चल रहा है, ये 6000 lumen की इसकी लाइट लगी हुई है और अच्छा चल रहा है ये, और उसमें बैठा है, फिश भी पड़ी हुई है, फिश भी नहीं मरी। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सॉल्ट वाटर टैंक की वीडियो नेक्स्ट बार आएगी, उस पर कुछ काम चल रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।